In this question, a small block of mass m is placed on a platform that has a rectangular protrusion. The block is connected to one end of a light inextensible cord that passes over an idle pulley fixed on the corner of a rectangular protrusion and finally attached to the wall. Segment of the cord between the pulley and the wall is horizontal and is at a height h of the top face of the platform as on the figure. The platform is on a horizontal frictionless floor. Coefficient friction between the block and the top face of the platform is mu. The platform is pulled away from the wall so that it moves with a constant velocity. It is important here. It is moving with constant velocity. So, the data is on data, I highlight mu yahan pe diya hua hai, block ka mass m diya hua hai. It is small block of mass m and this height is equal to h. तो ये डेटाज हो गए इसमें. इसके बाद में फाइंड द फोर्स एफ पुलिंग द प्लेटफॉर्म व्हेन सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड द पुली मैक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है तब हमें बताना है कि ये जो पुलिंग एजेंट है वो कितना फोर्स लगा रहा होगा. डिनोट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बाई जी एंड अज्यूम दैट द ब्लॉक डज नॉट लीव द प्लेटफॉर्म. ब्लॉक ऑलवेज मेंटेन्स कॉन्टेक्ट विद द प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट लीविंग द प्लेटफॉर्म. तो हमें इसमें ये फोर्स पता करना है कि कितने फोर्स से इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे पुल किया जा रहा होगा. तो दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड कंस्ट्रेंट रिलेशंस. तो इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी वेलोसिटीज, इनके एक्सेलरेशन आपस में किस तरीके से रिलेटेड है. और जब यहाँ पर इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ में पुली भी कनेक्टेड है, जब ये चल रहे होते हैं तो बेटर ये होता है हमेशा कि इनको रोक करके यहाँ पर सिस्टम को एनालाइज किया जाए और कंस्टेंट रिलेशंस वगैरह यहाँ पे निकाले जाए. तो मैं ऐसा करता हूँ कि नीचे वाले प्लेटफॉर्म को रोक देता हूँ, यानी कि इसके फ्रेम में यहाँ पर जो कंस्टेंट रिलेशंस उनको देख लेते हैं. और वैसे भी आप देखो तो ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज़ अ बिग रिलीफ. तो ये वेलोसिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और वेलोसिटी अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो अगर मैं इसके फ्रेम में चला भी जाऊँगा तो इसके, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है प्लेटफॉर्म का, तो इसके फ्रेम में अगर मैं इसका एक्सेलरेशन अगर निकाल भी लेता हूँ तो वो एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड के रिलेटिव ही हो जाएगा, लैब फ्रेम में हो जाएगा, ग्राउंड फ्रेम में हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं. प्लेटफॉर्म के पास एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो कोई एक्सेलरेशन निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं इसके फ्रेम में चला भी जाता हूँ तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो अगर मैं इसके फ्रेम में चला जाता हूँ तो वी हैव टू फॉरगेट दिस वेलोसिटी. इस वेलोसिटी को एक बार हमें यहाँ भूल जाना होगा. लेकिन ये जो वॉल है, नाउ दिस वॉल इज़ मूविंग, तो इस वॉल को हमें मूव कराना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दिस वॉल इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. और ऑब्वियस है कि ये वॉल इधर मूव करेगी तो यहाँ पर, और ये अब यहाँ पर फिक्स हो गया एक तरीके से, ये फिक्स यानी कि रेस्ट पर आ गया. मैं इसके फ्रेम में बात कर रहा हूँ. तो ये पुली वगैरह सब कुछ यहाँ पर फिक्स हो गई है. तो आप देखोगे कि ये जो गैप है, यानी वॉल क्योंकि आगे मूव कर रही है तो ये जो लेंथ है ये लेंथ बढ़ रही होगी, स्ट्रिंग की ये लेंथ इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि ये तो फिक्स है यहाँ पर, लेकिन ये वॉल मूव कर रही है तो स्ट्रिंग की ये लेंथ इंक्रीज हो रही होगी. और स्ट्रिंग की लेंथ अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो उसके बदले में यहाँ की लेंथ उतनी ही डिक्रीज हो रही होगी. तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे स्ट्रिंग, इस पूरे स्ट्रिंग को आप देखो, इस पूरे स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स के बॉडीज को आप देख लो. तो स्ट्रिंग कंस्टेंट यहाँ पर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. और स्ट्रिंग कंस्टेंट बहुत सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के जो दोनों एंड्स हैं उन दोनों एंड्स पे जो बॉडीज इसके साथ में कनेक्टेड हैं उनकी वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट हमें इक्वल करना होगा. तो मैं स्ट्रिंग, सॉरी, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी यहाँ पर. तो ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर लेट्स से इसको यू के इक्वल अज्यूम कर लिया. तो ये V था यहाँ पर ये, और इसको मैंने U अज्यूम कर लिया. तो दोनों एंड पॉइंट्स पे, एक एंड पॉइंट यहाँ पर ये है और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पर ये हो गया. तो इन दोनों एंड्स पे जो भी वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स स्ट्रिंग के अलोंग इक्वेट कर देंगे. उससे बहुत सिंपली यहाँ पे U और V का रिलेशन आ जाएगा. तो जो वॉल के पास में वहाँ तो कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली V हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट करोगे तो ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट विल बी u cos theta. तो v इज इक्वल टू दिस u cos theta. तो इस तरीके से आप यहाँ पे u पता कर सकते हो कि u यहाँ पे कितना हो जाएगा. तो दिस u इज इक्वल टू v sec theta हो गया. तो आप यहाँ पे ये u निकाल सकते हो. लेकिन ये जो u है, दिस u इज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म आपने कैलकुलेट किया है. अगर आप इसकी नेट वेलोसिटी पता करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए आपको प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी बैकवर्ड है तो ये हो जाएगा फिर v sec theta माइनस u. तो दिस इज़ द नेट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसके जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर हो जाएगी u sec theta इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द राइट डायरेक्शन. यहाँ तक हो गया. लेकिन हम जब यहाँ पे NLM की इक्वेशन यूज़ करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, फ्रिक्शन यूज़ करेंगे, तो हमें एक्सेलरेशन भी पता करना होगा. ऑब्वियस है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन हो सकता है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो यहाँ पर. तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें? तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप इसकी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लो. तो इसके जो भी वेलोसिटी आप उसको डिफरेंशिएट करो. तो इसकी वेलोसिटी को मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है. तो वेलोसिटी आप चाहे तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ले लो या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लो, बात बराबर होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी जीरो एक्सेलरेशन है, ग्राउंड भी जीरो एक्सेलरेशन है. तो किसी के रेस्पेक्ट में भी आप देख लो यहाँ पे, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर इस बात का. तो किसी को भी आप डिफरेंशिएट कर लो, सिंपली आप यू को डिफरेंशिएट कर लो. तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे उसमें यहाँ पर ये सॉरी मैंने यहाँ पे ये v sec theta माइनस u लिख दिया है. u नहीं है यहाँ पर. प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v से. तो इट्स शुड बी v, इट्स शुड नॉट बी u. u नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये v होना चाहिए. v sec theta माइनस v होना चाहिए. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, v sec theta माइनस v को डिफरेंशिएट करोगे, तो इस v का डिफरेंशिएशन जो फाइनली यहाँ पर लिखा हुआ है, इस v का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? जीरो. तो मैं सिंपली du by dt लिख करके इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो लेट अस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. तो छोटे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन यहाँ पे du over dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा d by dt ऑफ दिस v sec theta. v इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर अस कि v कॉन्स्टेंट है. तो v बाहर आ गया, और d by dt ऑफ sec theta. बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए थीटा को भूल जाते हैं और थीटा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं और सिर्फ वी को डिफरेंशिएट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि वी कांस्टेंट है, तो हम इस कंक्लूजन पे जंप कर सकते हैं कि बी का एक्सेलरेशन जो ब्लॉक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है, जो कि है नहीं यहाँ पर. ये जो थीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस थीटा इज़ वेरिएबल. आप डायग्राम में देखो, डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे ब्लॉक का मोमेंट होगा, थीटा वहाँ पे चेंज होता चला जाएगा. तो दिस थीटा इज़ नॉट ए कांस्टेंट, दिस थीटा इज़ वेरिएबल, एंड वी हैव टू फाइंड दिस डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ सेक थीटा, तब जाकर के हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे. तो जनरली ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी का टर्म आना स्टार्ट हो जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी का टर्म, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको कुछ लेंथ के टर्म्स में लिख लेते हैं. सेक थीटा वगैरह को ट्राइंगल का यूज़ करके लेंथ वगैरह के टर्म में लिख लेते हैं. तो मैं अगेन अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जा रहा हूँ यहाँ पर, और इस ट्राइंगल में कुछ डिस्टेंसेज अज्यूम कर लेता हूँ, और फिर जो कंस्टेंट है उस कंस्टेंट को अप्लाई करके यहाँ पर ये सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हम वैसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो ये जो डिस्टेंसेज हैं, इन डिस्टेंसेज को मैं अज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स से ऊपर ये जो लेंथ है, ये किसी भी टाइम पे वाई है, ये इंस्टेंटेनियस लेंथ है यहाँ पर ये. और ये जो डिस्टेंस है, सपोज़ इस डिस्टेंस को मैंने x अज्यूम कर लिया यहाँ पे, सपोज़ दिस डिस्टेंस इज x. तो बेसिकली सारे डिस्टेंसेस किसी फिक्स रेफरेंस से मेज़र कर किए जाने चाहिए, ठीक है. जनरली रूल क्या होता है कि सभी डिस्टेंसेस आप किसी फिक्स रेफरेंस से आप मेज़र करो. तो एक तरीके से मैं ये जो हमारा एक रेफरेंस है, फिक्स रेफरेंस, एक तरीके से मान लीजिए कि ओरिजिन टाइप का है, ऊपर वाई एक्सेस हो गई, ये एक्स एक्सेस टाइप का हो गया यहाँ पे. वैसे इस डिस्टेंस को मैंने वाई से दिखा रखा है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि ये एक्स एक्सेस कहलाऊंगे यहाँ पर, ये तो मैंने जस्ट वाई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है. तो ये जो फिक्स रेफरेंस है, यहीं से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ. यहाँ से ये वाई डिस्टेंस ले लिया, इधर से एक्स डिस्टेंस ले लिया. तो ये हमारा एक तरीके से फिक्स रेफरेंस है. और जैसे अभी मैंने बात करी थी कि अगर मैं इसको भी रेफरेंस लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम एक्सेलरेशन जो भी कैलकुलेट कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड के फ्रेम में ही आएगा, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इसको रोकने के बाद भी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा. अदरवाइज़ हमें प्लैंक वगैरह का या जो प्लेटफॉर्म है उसका एक्सेलरेशन वगैरह कुछ ऐड वगैरह करना पड़ता है बाद में, जो उससे हम बच जाएंगे यहाँ पे. तो sec थीटा मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देखोगे कि ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो नाउ वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द sec थीटा एंड देन डिफरेंशिएट इट.
तो sec थीटा का जो रिलेशन जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है वो sec थीटा का एक्सप्रेशन बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेट्री. नाउ डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू फाइंड डी बाई डी टी ऑफ sec थीटा. तो वी हैव टू फाइंड डी बाई डी टी ऑफ sec थीटा. तो इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ sec थीटा और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे. तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो इट विल बी एक्स स्क्वायर. थोड़े टर्म्स यहाँ पर आएंगे तो उन टर्म्स को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा. एक्स यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा और आई थिंक सभी लोग इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू एक्स और फिर इन दी एंड डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा एक माइनस. अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे और नीचे जो एक्स था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एंड दैट विल बी डी एक्स बाई डी टी. तो विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया है. जहाँ पर भी डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा है उसको आप क्या लिख सकते हो. तो डी एक्स अपॉन डी टी आप डायग्राम में पहुँच जाओ तो एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ और उसके लिए यू आ रहा है यहाँ पर. तो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस यू के बराबर होगा इसका ध्यान रखेंगे. तो डी एक्स अपॉन डी टी इज़ माइनस यू क्योंकि एक्स को डिक्रीज़ कर रहा है. इसी तरीके से यहाँ पर अब इन सभी को एक्सप्रेशंस को यहाँ पर पुट कर लेते हैं. लेट अस पुट ऑल दिस एक्सप्रेशंस हियर. तो इन सभी एक्सप्रेशंस को यहाँ पर रखते हुए तो अब मैं इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस को इतना यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ. डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन आ जाएगा. टू वगैरह जो बन रहे थे यहाँ पर वो टू टू कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर इसमें. तो आप देखोगे कि जो फाइनल कैलकुलेशन है एलसीएम वगैरह लेकर के आप इजीली इस कैलकुलेशन को कर सकते हो. तो डी एक्स अपॉन डी टी को माइनस यू वगैरह लिखते हुए फाइनली आप ये देखोगे ये आ जाएगा यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो चल रहा था वो चलता रहेगा यहाँ पर इसमें. एक्स को मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हटा दूँ क्योंकि एक्स हमारे लिए एक तरीके से अननोन टाइप की ही क्वांटिटी है. लेकिन डायग्राम से हम एक्स को रख सकते हैं यहाँ पर. तो डायग्राम से आप एक्स को ये पुट कर सकते हो. यू कैन पुट एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा. तो यू कैन राइट लाइक दिस. तो एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा यहाँ पर हो जाएगा. तो डी बाई डी टी ऑफ sec थीटा का जो एक्सप्रेशन है उसमें आप एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा पुट कर लो और पुट करने के बाद में जो डी बाई डी टी sec थीटा है आप डी बाई डी टी sec थीटा को वापस से इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो. तो जो बी का एक्सेलरेशन है वो कम्प्लीटली मैं वी के टर्म्स में यहाँ पर कर रहा हूँ. जो यू भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस यू को आप पुट कर सकते हो. फाइनली जो हमने यू कैलकुलेट कर रखा है वी sec थीटा वगैरह उसको आप पुट कर सकते हो. तो ईजिली ये एक्सप्रेशन ऑप्टेन हो जाएगा वी स्क्वायर टेन क्यूब थीटा बाई एच. तो बी का जो एक्सेलरेशन है वो बी का एक्सेलरेशन जो भी गिवन टर्म्स हैं वी थीटा और एच उसके टर्म्स में हमने यहाँ पर बी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया. और एक बार बी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया तो अब ये जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं बस उनको अप्लाई करना है इसमें. तो अब तक हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया. एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर टेन क्यूब थीटा बाई एच. इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ऑब्वियस है कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा. तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ब्लॉक इधर की तरफ मूव करना चाहेगा टुवर्ड्स राइट. उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा क्योंकि टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा जो कि उसको उधर की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा. और जैसे जैसे आप देखोगे अब मैं सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में लेके चल रहा हूँ. हमारा पर्पस पूरा हो गया. एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया तो अब मैं बिल्कुल वापस से ग्राउंड के फ्रेम में आ चुका हूँ. इसका एक्सेलरेशन हमने पता कर लिया. और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ऑब्वियस है कि यहाँ की लेंथ बढ़ती जाएगी और उससे इस ब्लॉक को इधर की तरफ खिसकना पड़ेगा. ये टुवर्ड्स राइट यहाँ पर मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन इसका टुवर्ड्स राइट यहाँ पर रहेगा इसमें. अब जहाँ तक इसमें फोर्सेस एनालिसिस की बात है तो सपोज़ हमने बाहर से जो फोर्स यहाँ पर लगाया है वेलोसिटी तो है. सपोज़ फोर्स भी इसे डायरेक्शन में लगाया होगा. तो फोर्स सपोज़ हमने इस डायरेक्शन में यहाँ पर लगा रखा है. ये फोर्स हमें कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं कि इस फोर्स के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पहले मैं यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम में यहाँ पे किसको ले रहा हूँ आप इसको ध्यान में रख लो. मैं यहाँ से सिस्टम को कट कर रहा हूँ. सपोज़ मैंने सिस्टम को ये कट किया और ये पूरा सिस्टम यहाँ पर प्लैंक को लेते हुए प्लैंक को इंक्लूड करते हुए मैं इतना सिस्टम यहाँ पर ले रहा हूँ. और इस सिस्टम का फ्री वो डायग्राम बना लेते हैं. तो पुली वगैरह सबको मैंने यहाँ पर सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लिया है. तो आप हमेशा ध्यान रखो जब भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जिसके साथ में पुली और ये सब अटैच है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पुली को भी सिस्टम का एक पार्ट बना दें. अदरवाइज़ पुली को अगर आप अलग कर दोगे तो पुली का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कितना फोर्स लगा रहा था पुली के ऊपर वो सब दिखाना पड़ेगा.
यानी कि पुली जो है सपोर्ट पे कितना फोर्स लगा रही थी वो दिखाना पड़ेगा, पुली फिर एक्सटर्नल हो जाएगी। तो पुली को भी हमने इंटरनल बना लिया और ये सिस्टम यहाँ पर ले लिया। तो इस सिस्टम में आप कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाए जाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि मैंने यहाँ से कट किया है स्ट्रिंग को, तो उधर की जो स्ट्रिंग थी वो अलग हो गई और इधर की जो स्ट्रिंग है इस पर इधर टेंशन फोर्स लगा रही होगी। जस्ट क्लैरिटी के लिए मैं इधर का टेंशन फोर्स भी दिखाया था, लेकिन ये हमारे सिस्टम से बाहर है, हमारे सिस्टम में ये पूरी चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर है। यहाँ पर सॉरी पूरा मैंने इसमें नहीं लिया इसको, ये पूरी जो चीज़ है वो हमारे सिस्टम के अंदर है, दिस इज़ आवर सिस्टम। तो एक तो टी आ जाएगा यहाँ पर, और मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल से मतलब है, मुझे यहाँ पर इधर उधर से मतलब नहीं है, वर्टिकल से मतलब नहीं है, मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखूंगा इस पर। और एक फोर्स जो यहाँ पर बाहर से लगाया जा रहा है वो है, तो फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल में हो सकते हैं जस्ट वही दिखाए गए हैं। इनके बीच में फ्रिक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन दैट फ्रिक्शन विल बी इंटरनल, जो कि इस डायग्राम में नहीं आएगा। अब एक्सेलरेशन दिखाएंगे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, तो एक्सेलरेशन इसका तो है नहीं यहाँ पर, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है। और जो ब्लॉक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है इस डायरेक्शन में यहाँ पर। तो अगर मैं सिंपली इस सिस्टम को लेते हुए इक्वेशन लिखता हूँ, तो सिस्टम में हमने एक से ज़्यादा ब्लॉक्स यहाँ पर ले रखे हैं, और जब भी आप सिस्टम में एक से ज़्यादा ब्लॉक्स वगैरह लेते हो, तो आप इक्वेशन फिर इस तरीके से लिखो कि जो भी नेट फोर्स है, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू जो एक मास m1 है उसका क्या एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन कौन सा, जो कि जिस डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिख रहे हो, सपोज आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x में इक्वेशन लिख रहे हो, तो एक्सेलरेशन का भी हॉरिजॉन्टल या x कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर m2 मास भी है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। जो जितने ही मासेज हैं m1 a1 m2 a2, आप इस तरीके से इक्वेशन लिखोगे। बहुत बार क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो भी होते हैं उनका एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है, कॉमन हो जाता है एक्सेलरेशन, तो फिर ये a1 और a2 कॉमन आ जाते हैं और m1 प्लस m2 इंटू a हो जाता है फिर, क्योंकि a अगर कॉमन आ गया तो फिर m1 प्लस m2 इंटू a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो इन जनरल तो यही इक्वेशन होगी। तो इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं इसको पॉजिटिव मानते हुए लिख रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन लिखोगे, तो फोर्स क्या क्या है, टी है एक, तो फिर माइनस एफ हो जाएगा। वैसे भी आपको प्लेटफॉर्म का मास पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैं कैपिटल एम अज्यूम कर लेता हूँ, इसको स्मॉल एम, तो कैपिटल एम विद जीरो एक्सेलरेशन, स्मॉल एम विद ए एक्सेलरेशन। अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट क्या करना है उस पर एक नज़र हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो वी हैव टू फाइंड एफ। एफ इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, टी माइनस एम। तो अब f कैलकुलेट करने में यहाँ पर अब क्या यहाँ पर ऑब्स्टिकल है हमारे सामने यहाँ पर, तो t हमें पता नहीं है, वी डोंट नो डी टेंशन, तो इसकी टेंशन है हमारे को अभी यहाँ पर। लेकिन एक्सेलरेशन हमने जो भी गिवन टर्म से पता कर रखे हैं, तो अल्टीमेटली टेंशन पता करने के लिए वी हैव टू राइट सम अनदर इक्वेशंस। तो जस्ट अब मैं क्या करता हूँ कि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, तो लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि ब्लॉक को अलग करके प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते, तो ब्लॉक को अलग करके अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको फ्रिक्शन इंक्लूड करना पड़ता है प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो मैं उससे बचना चाह रहा था, तो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया सिस्टम के अंदर, तो थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन बन रही है यहाँ पर फिर हमारे को। अब इसके बाद में मैं सिंपली ब्लॉक को यहाँ पर सिस्टम लेते हुए आगे चल रहा हूँ, तो ब्लॉक दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास एम, टेंशन लग रहा है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, दिस इज टेंशन एट एन एंगल थीटा। इस टेंशन के भी आप दो कंपोनेंट करके तैयार रखो, तो दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज टी साइन थीटा। और क्या क्या है यहाँ पर, तो एमजी है, नॉर्मल रिएक्शन है, और फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, तो बैकवर्ड लगना चाहिए फिर यहाँ पे। ऑब्वियस है कि इट विल बी ए काइनेटिक फ्रिक्शन, या जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके बराबर लगेगा यहाँ पर ये। तो एफ जो है, आप ध्यान रखो कि सिंपली लोग म्यू एम जी लिख देते हैं, तो एफ म्यू एन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और नॉर्मल आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम से निकाल लो, क्योंकि जो ब्लॉक है वो वर्टिकल में तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो वर्टिकल में अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो उससे नॉर्मल निकल के आ जाएगा बड़ी आसानी से। t sin theta plus n this is equal to mg, this is from vertical equilibrium, यहाँ से आप n निकाल लो, mg minus tan theta है, तो friction जो होगा mu n की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg minus t sin theta, तो this is friction। horizontal में equation आप लिख लो, तो horizontal में इसका acceleration a है,
तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हो जाएगी टी कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन दिस इज इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन का यूज़ करके आप टी निकालो, जिसको आप यूज़ करोगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट। तो नाउ मूविंग फर्दर, टी कॉस थीटा एफ इज इक्वल टू दिस म्यू एम जी माइनस टी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एम ए। ए यहाँ पर अननोन क्वांटिटी नहीं है, हमारे लिए नॉन क्वांटिटी यहाँ पर एक्सेलरेशन पता है हमको। टी वगैरह आप कॉमन ले लो और उसके बाद बाकी के टर्म्स को उधर भेज दो तो म्यू एम जी उधर चला जाएगा, एम ए पहले से है वहाँ पर, और टी के साथ जो कॉमन निकलता है वो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो टी भी हमें पता चल गया है जो भी नॉन टर्म्स हैं उसमें। अब उसके बाद बस सिंपली आप एफ लिख दो, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर फाइनली टी माइनस एम ए, तो टी की जगह पर तो ये हो गया म्यू एम जी प्लस एम ए, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा दिस इज टी। और ए हमको पता है यहाँ पर पहले से, तो जो एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है एक्सेलरेशन कितना था वी स्क्वायर टेन क्यूब थीटा बाई एस, तो इस एक्सेलरेशन का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, इसमें रख लेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो उससे जो फोर्स है वो कम्प्लीटली जो नॉन टर्म्स हैं उसमें आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक बार कंस्टेंट डिसाइड कर लेने के बाद में, कंस्टेंट से एक्सेलरेशन वगैरह डिसाइड कर लेने के बाद में, फिर सिंपली हमें एनएलएम की इक्वेशन यूज़ करनी है।